हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? और सब बढ़िया मजे में? तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने वॉन हेवर चक्र के बारे में देखा था कि वॉन हेवर चक्र क्या होता है। आज अपन क्या करेंगे, वॉन हेवर चक्र का जो महत्व है या उसका उपयोग है उसके बारे में देखेंगे। उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कि जो वॉन हेवर चक्र है उसका उपयोग क्या क्या है, कैसे कैसे उसके पॉइंट्स हैं, क्या क्या होता है उसमें, वो आज क्या करेंगे अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार है? कल अपन ने वॉन हेवर चक्र के बारे में समझा था, आज अपन क्या देखते हैं उसके महत्व या उसके उपयोग देखते हैं। क्या होता है वॉन हेवर चक्र के उपयोग अपन देखते हैं। वॉन हेवर चक्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉन हेवर साइकिल, इसके क्या उपयोग उपयोग या महत्व? क्या होते हैं बॉर्न हेवर चक्र का उपयोग या महत्व? अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण। क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण? अपन ने देखा था किसमें, बॉर्न हेवर चक्र में। पहले एक बार बॉर्न हेवर चक्र देख लो जिससे पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण किसे कह रहे थे अपन। ये सोडियम है, सॉलिड की फॉर्म में, ठोस अवस्था में है। इसमें अपन ने क्या किया, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन ऊर्जा इसमें ऐड की, जिससे क्या हुआ, ये जो ठोस अवस्था है ये गैसीय अवस्था में चले गया। ये किसमें चले गया, ठोस अवस्था गैसीय अवस्था में। फिर अपन ने क्या किया, इसमें आयनन ऊर्जा दी। आयनन ऊर्जा का काम क्या था, कल बताया था मैंने, आयनन ऊर्जा का काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना, बाहर की तरफ निकालना। तो ये जो सोडियम है गैसीय अवस्था में है, तो ये सोडियम किस में आ जाएगा, सोडियम प्लस में आ जाएगा, धनायन की फॉर्म में आ जाएगा, और कैसी अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में। ठीक है, और ये अपन का सोडियम है, इधर क्या होता था क्लोरीन, ये कैसी स्टेट है, शुद्ध अवस्था, प्योर स्टेट या शुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था में क्या था, अपन ने बताया था कल ही, सोडियम जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, क्लोरीन जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। देखो क्लोरीन किस अवस्था में बताया था कल, गैसीय अवस्था में। ठीक है, इनसे क्या मिल रहा था, सोडियम क्लोराइड मिल रहा था, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा था। अब अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो हाफ कर देंगे इधर, आधा लगा देंगे इधर, जिससे क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये जो अपन का आधा क्लोरीन है गैसीय अवस्था में, इसमें अपन क्या देते हैं, वियोजन ऊर्जा, क्या देते हैं, वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा का काम क्या था, बंध को तोड़ने का। क्लोरीन क्लोरीन के दो बंध हैं, कल भी बताया था। वियोजन ऊर्जा क्या करती है, इस बंध को तोड़ देती है। इधर कितने हैं, टू, तो इधर वियोजन ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ। अब ये जो क्लोरीन है जो अपन की गैसीय अवस्था में है, जब ये वियोजन ऊर्जा क्या करता है, इसको आधा कर देता है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के मेरे पास दो अणु हैं, ये क्या कर देगा, आधा कर देगा, तो एक क्लोरीन बच जाएगा, तो ये क्लोरीन। ये सब मैंने कल पूरा डिस्कस किया था एकदम डीपली तरीके से। ठीक है, अब ये क्लोरीन किस में है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन बंधुता का ये काम होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ना, यानी कि Cl जो गैसीय अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या करेगा, इसको Cl माइनस बना देगा। Cl माइनस बन गया किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ये अपन का गैसीय अवस्था में, ये अपन का गैसीय अवस्था में, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, इसका निर्माण कर देंगे, NaCl का निर्माण। अब क्या होगा, जो NaCl है ये अपन की जो सोडियम है गैसीय अवस्था में, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, ये दोनों NaCl का निर्माण करते हैं, और उस टाइम जो ऊर्जा निकलती है बाहर उसको बोलते थे अपन लैटिस एनर्जी। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बॉर्न हेवर का जब अपन चक्र का, बॉर्न हेवर चक्र का जब उपयोग पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे,
तो ये जरूरी है, इसी से पता लगेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या था, इसलिए मैंने एक बार रिवाइज किया कराया है इसको। अब क्या होगा, जो सोडियम है गैसीय अवस्था में, क्लोरीन है गैसीय अवस्था में, ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, और इस टाइम जो ऊर्जा निकलेगी वो ही क्या कहलाती है हमारी, लैटिस एनर्जी। जो बाहर निकलती है, जो मुक्त होती है ऊर्जा, उसको अपन लैटिस एनर्जी कहते हैं। जो अपन का सोडियम है ठोस अवस्था में, क्लोरीन है गैसीय अवस्था में, इनसे बना NaCl। NaCl जब बना उस टाइम जो ऊर्जा निकली उसको बोलते हैं अपन अभिक्रिया ऊष्मा, अभिक्रिया ऊष्मा। ठीक है, अब देखो जो अपन की सब्लिमेशन या उर्ध्वपातन ऊर्जा जो होती है वो थी अपन की पॉजिटिव। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा जो होती है वो होती है अपन की पॉजिटिव। ठीक है, वियोजन ऊर्जा ये भी प्लस में, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये माइनस में, जालक ऊर्जा ये माइनस में, और अभिक्रिया ऊष्मा जो होती है वो भी होती है अपन की माइनस में। ठीक है, ये था क्या बेसिक, ये चक्र था ये अपन का। ठीक है, अब देखो बॉर्न हैवर चक्र का उपयोग या महत्व, इसमें आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण, उसकी जो मान होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसको निकालना अत्यंत कठिन होता है। इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, उसको अपन बॉर्न हैवर चक्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण जो है, उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन का यही जाएगा कि इसकी वैल्यू या इसका मान निकालना बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, पर अपन बॉर्न हैवर चक्र की सहायता से इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पर इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला देखो E, यानी कि अपन का ये, अपन को निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये हो गया अपन का इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको दिखाते हैं किससे, ई से दिखाते हैं। ठीक है, तो ई बराबर देखो ये क्या है, अभिक्रिया ऊष्मा। अभिक्रिया ऊष्मा को मान लो मैंने बताया तुमको क्यू से बताया, तो क्या लिखेंगे इधर अपन, ई बराबर क्यू। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा प्लस ये क्या है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, इसको लिखते हैं एस से। ठीक है, इसके बाद आयनन ऊर्जा, इसको लिखते हैं आई से, तो लिखो प्लस आई। ठीक है, अब देखो आयनन ऊर्जा हो गई, वियोजन ऊर्जा इसको लिखते हैं डी से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, वियोजन ऊर्जा तो इधर के लिख देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी थी, आधी थी। ये ऐसे नहीं बता रही मैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सोडियम का है, सोडियम के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा वियोजन ऊर्जा आधी हो। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन को निकालना था, तो अपन ने उधर की साइड लिख दिया, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा आता है अपन का प्रोटोन, प्रोटोन बंधुता का निर्माण। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके महत्व के बारे में, बॉर्न हैवर चक्र के महत्व के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण क्या होता है, प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन बंधुता का निर्माण। प्रोटॉन बंधुता के निर्माण में क्या होता है, जो अपन का गैसीय ऋण आयन, गैसीय अवस्था में जो ऋण आयन होता है, जैसे ये मान लिया मैंने एक्स माइनस, ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ये क्या करता है, जो अपन का धन आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके साथ रिएक्शन करके, या प्रोटोन बंधुता के साथ जो प्रोटोन होता है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके, मान लो मैंने इसको लिख लिया एच से। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके, इसके साथ मिलकर के ये क्या फॉर्म करता है, एच एक्स फॉर्म करता है। ठीक है, और इस टाइम जो ऊर्जा बाहर निकलती है, जो ऊर्जा या जो एनर्जी मुक्त होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोटोन बंधुता का निर्माण।
ठीक है, ये क्या थे, इसके उपयोग या महत्व थे। अब अपन क्या करते हैं, अपन आज से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट कर दो लिखना, मैं लिखवाते चलती हूँ नोट्स। सबसे पहले हेडिंग डालो बॉर्न हेवर चक्र के बारे में। क्योंकि तो इतने दिन से क्या था, सबके कमेंट आ रहे थे नोट्स कब लिखवाएंगे, नोट्स कब लिखवाएंगे। तो आज से अपन नोट्स स्टार्ट करते हैं। पहले देखो बॉर्न हेवर चक्र, मैं क्या समझाती हूँ, चलूंगी हाथों हाथ, जिससे एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा तुरंत। देखो बॉर्न हेवर चक्र, चालक ऊर्जा के, चालक ऊर्जा के निर्धारण की, चालक ऊर्जा के निर्धारण की कोई प्रत्यक्ष प्रायोगिक विधि नहीं होती है। क्या बोला मैंने, चालक ऊर्जा के निर्धारण की कोई प्रत्यक्ष प्रायोगिक विधि नहीं होती है। मतलब चालक ऊर्जा को अपन डायरेक्ट रूप से नहीं निकाल सकते। लिख लिया, चालक ऊर्जा के निर्धारण की कोई प्रत्यक्ष प्रायोगिक विधि नहीं होती है, तथा इसका निर्धारण, तथा इसका निर्धारण परोक्ष रूप से, ब्रैकेट में इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से बॉर्न हेवर चक्र की, तथा इसका निर्धारण परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से किया जाता है। इसका मतलब ये है, अपन चालक ऊर्जा का जो निर्धारण है वो अपन डायरेक्ट रूप से नहीं निकालते, इसका निर्धारण जो है वो अपन इनडायरेक्ट रूप से निकालते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं निकाल कर अपन अप्रत्यक्ष रूप से निकालते हैं। यह एक, अगला पॉइंट लिखो, यह एक ऊष्मा गतिकीय चक्र होता है। कैसा होता है, यह एक ऊष्मा गतिकीय चक्र, ऊष्मा गतिकीय, यह एक ऊष्मा गतिकीय चक्र होता है जो आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तथा अभिक्रिया ऊष्मा, तथा अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करता है, संबंध प्रदर्शित करता है। यह चक्र, नेक्स्ट पॉइंट, यह चक्र हैज के नियम पर, यह चक्र हैज के नियम पर आधारित है, यह चक्र हैज के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक से, किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक से उत्पाद के निर्माण में, उत्पाद के निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन, अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक से
उत्पाद के निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन सदैव निश्चित रहता है, सदैव निश्चित रहता है। अभिक्रिया, अभिक्रिया चाहे से, अभिक्रिया चाहे से किसी भी पथ से संपन्न हो, अभिक्रिया चाहे से किसी भी पथ से संपन्न हो, अर्थात क्रिया कारक से, अर्थात क्रिया कारक से उत्पाद के निर्माण में, उत्पाद के निर्माण में कुल ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। हेज का नियम मैंने क्या बताया था, देखो हेज लॉ बताया था मैंने, हेज का नियम क्या बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ब्रैक इसमें लिख लेना, अपने नोटबुक में बना लेना। अगर ए से सी तक जाना है, ये एक पाथ है, एक पाथ ही होता है कि मैं ए से बी पे जाऊं और बी से सी पे जाऊं। एक पाथ तो ये है कि डायरेक्ट रास्ता है मेरा ए से सी तक जाने का, जाना ए को भी सी तक ही है और जाना ए को बी के थ्रू और बी को सी के थ्रू तो भी सी तक ही है। तो एक पाथ तो मेरा ये हो गया, एक पाथ जो है वो मेरा ये हो गया कि मैं ए से सी पर गई, तो एक पाथ ये हो गया। दूसरा पाथ कि मैं ए से पहले बी पर गई, बी के बाद मैं क्या गई, सी पर गई, तो ये मेरा भी क्या हो गया, दूसरा पाथ। जैसे मान लिया ये मैंने ए है, ये मेरा बी है, तो ये मेरा बी डैश है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने मान लिया डेल्टा एच एफ, इसको मान लिया डेल्टा एच वन, इसको मान लिया मैंने डेल्टा एच टू। तो मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा एच एफ जो होगा वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू है मेरा, या एच वन प्लस एच टू ऐसा कर लो, रुको ये क्या है, एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू, ठीक है, ये एच वन है ये, और ये मेरा एच टू है, तो डेल्टा एच क्या आ गया, एच वन प्लस एच टू। ये डायग्राम करो, एक तरफ लिखो ए, एक तरफ लिखो बी, एक तरफ लिखो सी, और ये डायग्राम बनाओ ए से सी तक जाने पर, या ए से बी से, या बी पर सी से, बात एक ही है। और लिखो फिर डेल्टा एच बराबर एच वन प्लस एच टू, ये क्या है, हेज का नियम है, या दूसरा पॉइंट लिखो, पूरे चक्रीय पथ में, पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन, पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है या जीरो होता है, पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है या जीरो होता है। लिख लिया, अब लिखो बॉर्न हेवर चक्र के, बॉर्न हेवर चक्र के गतिकीय रूप को, गतिकीय रूप को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, बॉर्न हेवर चक्र के गतिकीय रूप को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, देखो इधर देखो, पहले ये अपन का ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ये अपन की आयनन ऊर्जा, ये वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और वो अभिक्रिया ऊष्मा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा इसको एस से, प्लस आयनन ऊर्जा इसको आई से, प्लस
वियोजन ऊर्जा, इसको मैंने बताया था प्लस से, तो प्लस के डी वाई टू, क्योंकि इधर भी क्या है आधा, तो इधर मैंने क्या कर दिया आधा कर दिया, डी वाई टू प्लस, ये क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको लिखते थे ई से, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता, मैंने बताया था ये किस में आता है माइनस में, तो ये क्या हो गया माइनस में हो गया, ठीक है। प्लस ये किस में है अभिक्रिया ऊष्मा, माइनस में, तो माइनस का क्यू, ये लिख लो आप ये फॉर्मूला। लैटिस एनर्जी और रह गई, रुको एक मिनट, लैटिस एनर्जी और, लैटिस एनर्जी यानी कि चालक ऊर्जा रह गया, क्या हो गया चालक ऊर्जा अपन की लैटिस एनर्जी माइनस का, लैटिस एनर्जी को अपन लिखते हैं यू से, माइनस का यू बराबर माइनस का, देखो उर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, ये तीनों प्लस में, इलेक्ट्रॉन बंधुता माइनस में, चालक ऊर्जा माइनस में, अभिक्रिया ऊष्मा माइनस में, देख लिया। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि S बराबर उर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, उर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा को I से, ठीक है, प्लस डी वाई टू, ये एज इट इज आ गया, प्लस माइनस, माइनस का E यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्लस माइनस, माइनस का चालक ऊर्जा U, और ये जो है माइनस है ये प्लस का Q बराबर जीरो, देखो इसको और इधर लिख लो एक ब्रैकेट बना के, ऐसे कॉलम सा बना के, S बराबर उर्ध्वपातन ऊर्जा, S बराबर उर्ध्वपातन ऊर्जा, I बराबर आयनन ऊर्जा, I बराबर आयनन ऊर्जा, D by 2 बराबर वियोजन ऊर्जा, उर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, E बराबर इलेक्ट्रॉन बंधुता, U बराबर जालक ऊर्जा, U बराबर जालक ऊर्जा, और Q, Q बराबर अभिक्रिया ऊष्मा, Q बराबर अभिक्रिया ऊष्मा, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल, जो अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था वो लिखो, सोडियम क्लोराइड का बॉर्न हेबर चक्र, हेडिंग डालो एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड का बॉर्न हेबर चक्र, सोडियम क्लोराइड का बॉर्न हेबर चक्र, इसमें लिखो सोडियम क्लोराइड के बॉर्न हेबर चक्र में क्या आता है, NaCl का एक मोल, NaCl का एक मोल क्रिस्टल के निर्माण में, क्रिस्टल के निर्माण से निम्न दो विधियों के द्वारा किया जाता है, NaCl के एक मोल क्रिस्टल का निर्माण निम्न दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है, पहला है अप्रत्यक्ष विधि, पहला है अप्रत्यक्ष विधि, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि,
फर्स्ट है अप्रत्यक्ष, सेकंड है प्रत्यक्ष। देखो अप्रत्यक्ष विधि, फर्स्ट पॉइंट डाल के, अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि यह निम्न पदों में संपन्न होती है, यह निम्न पदों में संपन्न होती है, यह निम्न पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट लिखो सोडियम परमाणु का पृथक्करण, सोडियम परमाणु का पृथक्करण, सोडियम परमाणु का पृथक्करण। क्या सोडियम परमाणु का पृथक्करण, इसमें लिखो सोडियम धातु में अनेक परमाणु, सोडियम धातु में अनेक परमाणु धात्विक बंध, धात्विक बंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड, धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तथा तथा इन्हें पृथक करने के लिए, तथा इन्हें पृथक करने के लिए, तथा इन्हें पृथक करने के लिए धातु को तथा इन्हें पृथक करने के लिए धातु को ऊर्ध्वपतित करके, धातु को ऊर्ध्वपतित करके गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में परिवर्तन करते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तन करते हैं। इसके लिए, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को, के लिए आवश्यक ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं, तथा सोडियम धातु के लिए, तथा सोडियम धातु के लिए इसका मान, इसका मान 26 किलो कैलोरी पर मोल होता है, 26 किलो कैलोरी पर मोल होता है। देखिए क्या किया अपन ने, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा में ये अपन के ठोस अवस्था में था, इसको अपन ने किस में लिया, गैसीय अवस्था में। इसकी जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है इसका मान क्या है, 26 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब देखो ये अपन का सोडियम ठोस अवस्था में, ये रिएक्शन लिखनी है ये वाली, प्लस अपन ने इसमें क्या किया, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा थी, इसको लिख लेना ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इससे क्या किया अपन ने, सोडियम को गैसीय अवस्था में बदल दिया। देखो इसको, ये अपन का सोडियम ठोस अवस्था में, इसको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का काम क्या है, ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदल देना। इसकी वैल्यू लिखो बगल में 26 किलो कैलोरी पर मोल, इसका मान है वो क्या है, 26 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मान है ये ऊर्ध्वपातन यानी कि एस का, एस बराबर 26 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या था, सोडियम परमाणु का पृथक्करण, ये इसका पहला पॉइंट था, ये पूरा पहला पॉइंट में क्या था, सोडियम परमाणु का पृथक्करण अपन ने कैसे किया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डालो, उसमें लिखो सोडियम धनायन का निर्माण, सोडियम धनायन का निर्माण, तो क्या करना है, सोडियम धनायन
बनाना है अपन को, कैसे बनाएंगे सोडियम धनायन का निर्माण कैसे करेंगे वो लिखना है। सोडियम धनायन का निर्माण देखो, सोडियम धनायन के निर्माण में गैसीय सोडियम धातु, गैसीय सोडियम धातु, गैसीय सोडियम धातु परमाणु के, गैसीय सोडियम धातु परमाणु के बाह्यतम कोश से, बाह्यतम कोश से, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर, एक इलेक्ट्रॉन अलग करने पर, बात एक ही है तो लिखो एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर, एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर धनायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होता है पृथक करने पर सोडियम धनायन का निर्माण होता है तथा इसके लिए, तथा इसके लिए, तथा इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को, तथा इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, तथा इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं जिसका मान 118 किलो कैलोरी पर मोल होता है, 118 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अब देखो इसमें अपन ने अपने सोडियम बनाया था गैसीय अवस्था में, इसमें से अपन ने क्या किया आयनन ऊर्जा दी इसको, क्या दी आयनन ऊर्जा, जिसका काम क्या है भारी जो कक्षक है आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट जो कोशक है इसका, उससे क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकालेगा, तो जिससे किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका निर्माण करेगा सोडियम आयन का, Na+ का निर्माण करता है। इसका जो मान होगा वो क्या होगा 118 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। अब लिखो जो अपन का सोडियम है किस अवस्था में है गैसीय अवस्था में, प्लस ये सोडियम अपन का गैसीय अवस्था में, इसको अपन ने क्या दिया आयन, ये वाले सोडियम को इसको क्या दी आयनन ऊर्जा दी, जिससे ये किस में चले गया सोडियम प्लस धनायन में चले गया। तो लिखो इसको इधर, ये भी कैसी अवस्था में गैसीय अवस्था में चल रहा है, लिख लिया इसका मान, लिख लिया वैल्यू आई बराबर 118 किलो कैलोरी पर मोल, बगल में लिख लो इसके। अब लिखो तीसरा पॉइंट, क्लोरीन परमाणु का निर्माण, क्लोरीन परमाणु का निर्माण, थर्ड पॉइंट। अपन ने अब तक क्या किया सोडियम का तो निर्माण कर लिया, सोडियम अपन ने धनायन बना लिया, अब अपन को क्या करना है क्लोरीन को बनाना है, क्लोरीन को क्या करना है ऋणायन बनाना है, तभी तो आगे रिएक्शन होगी, तो अपन क्या करेंगे क्लोरीन को बनाएंगे, क्लोरीन परमाणु का निर्माण। देखो क्लोरीन अणु के वियोजन द्वारा, क्लोरीन अणु के वियोजन द्वारा, क्लोरीन अणु के वियोजन द्वारा दो क्लोरीन परमाणु प्राप्त होते हैं, क्लोरीन अणु के वियोजन द्वारा दो क्लोरीन परमाणु प्राप्त होते हैं तथा इसके लिए, तथा इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को, तथा इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा कहते हैं,
वियोजन ऊर्जा कहते हैं तथा इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा कहते हैं। अतः केवल एक क्लोरीन परमाणु प्राप्त करने के लिए Dy2 वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे? देखो, ये अपन का क्लोरीन था, इसमें मैंने क्या किया, वियोजन ऊर्जा दी, ठीक है। अब वियोजन ऊर्जा इधर कितनी है, हाफ, तो ये हाफ कर दी। अब ये क्लोरीन क्लोरीन के क्या थे, दो बंद थे ऐसे, इसको वियोजन ऊर्जा का काम क्या है, बंद को तोड़ना। तो इसने क्या किया, क्लोरीन बना दिया और गैसीय अवस्था में शुरू से चल रहा है, तो ये अभी भी गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो इधर रिएक्शन हाफ Cl2 गैसीय अवस्था में, इसमें क्या किया, वियोजन ऊर्जा करी Dy2 और इससे क्लोरीन बन गया गैसीय अवस्था में। देखो इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है Dy2 का, वो है 28.9 किलो कैलोरी पर मोल, 28.9 किलो कैलोरी पर मोल। चौथा पॉइंट, क्लोरीन रिनायन का निर्माण, क्लोरीन रिनायन का कैसे निर्माण हो रहा है वो देखेंगे। देख लिया क्लोरीन रिनायन का निर्माण, इसमें लिखो क्लोरीन का गैसीय परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्लोरीन का गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन रिनायन का निर्माण करता है। तथा इस प्रक्रिया में, मुक्त हुई ऊर्जा, को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, तथा क्लोरीन के लिए, इसका मान 90.7 कितना, 90.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है, देखो कैसे, ये क्लोरीन गैसीय अवस्था में, अब अपन इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता लगाएंगे इधर, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसमें ऐड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा जिससे Cl माइनस में आ जाएगा और गैसीय अवस्था में ये अब भी है ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या रिएक्शन लिखेंगे, क्लोरीन किस में है, गैसीय अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अपन ने क्या किया है, जोड़ा है, और ये किस में बन गया, Cl माइनस
कैसी है अवस्था में बन गया अभी, ऐसे देखो रिएक्शन लिखो। इसमें वैल्यू लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन ने बताया था माइनस में होता है, तो माइनस के 90.7, माइनस के 90.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। अब लिखो सोडियम क्लोराइड आयनों का निर्माण, सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का निर्माण, आयन युग्मों का निर्माण, सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का निर्माण, अंत में गैसीय, अंत में गैसीय Na+ Cl- आयन, अंत में गैसीय Na+ Cl- आयन विपरीत आवेश के कारण, विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे से, विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे से, एक दूसरे से आकर्षित होकर ठोस स्थाई क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठोस स्थाई क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं या लैटिस एनर्जी कहते हैं, जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। एक मोल ठोस NaCl के निर्माण, एक मोल ठोस NaCl के निर्माण, एक मोल ठोस NaCl के निर्माण की जालक ऊर्जा का मान, की जालक ऊर्जा का मान 180.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है, 180.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है। एक मोल ठोस NaCl के निर्माण की जालक ऊर्जा का मान क्या है, 180.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है। फिर लिखो Na+ किसमें है, गैसीय अवस्था में, प्लस Cl- भी किसमें आएगा, गैसीय अवस्था में। इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, किसका निर्माण हो रहा था, NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा था। देखो Na+ गैसियस प्लस Cl- गैसियस में, इससे बन रहा है NaCl, और NaCl किस में, गैसीय अवस्था में, ठीक है। और इधर से क्या निकल रही थी, मुक्त ऊर्जा निकल रही है, मुक्त ऊर्जा। U को लिख लो ब्रैकेट में, जालक ऊर्जा, ये जो U निकल रहा है बाहर, यही क्या है, जालक ऊर्जा। और U का मान लिखो 180.4 किलो कैलोरी पर मोल। U किस में होता था, मैंने बताया था जालक, जो जालक ऊर्जा है वो किस में बताया था, माइनस में बताया था, ये रहा माइनस में जालक ऊर्जा, ठीक है। अब लिखो इस प्रकार कुल अभिक्रिया ऊष्मा, इस प्रकार कुल अभिक्रिया ऊष्मा पांच पदों के योग से प्राप्त होती है, पांच पदों के योग से प्राप्त होती है। इस प्रकार कुल अभिक्रिया ऊष्मा
पांच पदों के योग से प्राप्त होती है। फिर लिखो क्यू बराबर, इसमें ऐसे लिख दो क्यू बराबर एस प्लस आई प्लस डी वाई टू प्लस इलेक्ट्रॉन जो अपन का था और लैटिस एनर्जी, ये अपन की माइनस में थी, ये भी किस में थी, माइनस में। Q बराबर एस प्लस आई प्लस डी वाई टू प्लस माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस माइनस का U, इसमें वैल्यू लिखो। Q की क्या आई थी, 26 आई थी, I की क्या थी, 118 थी, D की क्या थी, 28.9 थी, ठीक है, इसकी थी माइनस के 90.7 और ये थी 90.7 और ये थी माइनस के 180.4। लिखो सबकी वैल्यू, 26 प्लस 118 प्लस 28.9 माइनस का 90.7 माइनस का 180.4, तो टोटल ओवरऑल क्या निकल जाएगी, Q बराबर माइनस का 98.2 किलो कैलोरी पर मोल। टोटल ऑल ओवर क्या है अपन का, माइनस के 98.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, समझ आ गया, सारी वैल्यू पुट कर दी अपन ने, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की, आयनन ऊर्जा की, वियोजन की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता की और जालक ऊर्जा की, इन सबको अपन ने जब सॉल्व किया तो अपन की ओवरऑल टोटल वैल्यू क्या निकली है, 98.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये थी अपन की क्या, अप्रत्यक्ष विधि के बारे में नोट्स थे। अब अपन कल से क्या करेंगे, कल जो नोट्स बनाएंगे वो बनाएंगे अपन के प्रत्यक्ष विधि के बारे में, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के बारे में। सो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। कल प्रत्यक्ष विधि अपन बना लेंगे इसके नोट्स, प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा बड़ी नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि जो है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।